आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी दिखने में जितना अनोखा है बनाने में उतना ही इजी, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पैन पे मैंने एक कटोरी तिल ले लिया है और अब हम इसे कंटिन्यूसली ऐसा चम्मच चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसे चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो इस तरीके से हम इसे रोस्ट कर लेंगे और अब ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, रोस्ट हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले लिया है और अब हम इसे इसमें डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पे सेम पैन ले लिया है और अब हम इसमें एक कटोरी यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है, हम इसे डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने आधा छोटी कटोरी यहाँ पे मैंने मिश्री ले लिया है, आप मीठा जो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक डो बनने तक हम इसे पका लेंगे। इसे भी हम इसी तरीके से कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा हो गया है। और अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून इसमें मैं घी डाल रही हूँ और अब हम घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमारा जो डो है बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसमें जो तिल जो हम रोस्ट करके रखे हैं हम उसे इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और यहाँ पे मैंने ये कलरफुल टूटी फ्रूटी ले लिया है, हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है और अब हम इस तरीके से एक छोटा सा पोर्शन लेके हम इसे लड्डू का शेप देंगे। आप चाहे तो इसे इस तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं, पर मैं इसे इस तरीके से अंगूठे से इसे प्रेस करते हुए इस तरीके से हम इसमें बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा टूटी फूटी डाल के इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये रेसिपी को तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।